अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सिविक्स के चैप्टर 7 को पढ़ रहे हैं मार्केट्स अराउंड अस, और इसमें हमारा आज का टॉपिक है चेन ऑफ मार्केट्स। पहले बच्चों, हमने अब तक मार्केट की तीन टाइप्स को पढ़ा, वीकली मार्केट, शॉप्स इन द नेबरहुड एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। पहले बच्चों, हमें आज पढ़ना है मार्केट जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये डिफरेंट मार्केट्स जो चीज़ें हम शॉप से ख़रीदते हैं ये किस तरह से इन शॉप्स तक पहुंचाए जाते हैं, जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, यही आज हमें पढ़ना है। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वायर वी बाय गुड्स। प्यारे बच्चों, हमने अब तक मुख्तलिफ मार्केट्स के बारे में जानकारी हासिल की, वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट और ये शॉपिंग कम्प्लेक्स। हम इन तीनों टाइप्स के मार्केट से चीज़ें खरीदते रहते हैं। फ्राम वायर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस दियर गुड्स? गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। पहले बच्चों, यहाँ पे ये सवाल हमारे जहन में आता है कि ये जो चीज़ें हैं जो हम इन दुकानों से मार्केट से ख़रीदते रहते हैं ये चीज़ें बनती कहाँ पे हैं? पहले बच्चों, ये चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं और कुछ चीज़ों को घर में बनाया जाता है, जैसे कि मिठाइयाँ, मोमबत्ती, केक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको घर में ही बनाया जाता है। However, we do not buy directly from the factory or from the farm, nor would the producers be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. लेकिन हम इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए डायरेक्ट फैक्ट्रीज पर नहीं जाते हैं, हम मुख्तलिफ मार्केट से चीज़ों को ख़रीदते रहते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन चीज़ों के, वो हमको चीज़ें कम क्वान्टिटी में, कम मकदार में चीज़ें दे भी नहीं सकते हैं, वो मुख्तलिफ मार्केट्स के ज़रिए से हम तक इन मुख्तलिफ चीज़ों को पहुँचाते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर और द ट्रेडर्स। पहले बच्चों, प्रोड्यूसर्स चीज़ों को जो बनाने वाले होते हैं और कंज्यूमर्स चीज़ों को ख़रीदने वाले, जैसे कि हम लोग हैं, इनके बीच में, हमारे बीच में, इनके दरमियान में जो इन चीज़ों को डायरेक्ट डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट मार्केट्स तक पहुँचाते हैं वो हैं ट्रेडर्स, इनको ट्रेडर्स कहते हैं। द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, द वेजिटेबल होल सेलर ट्रेडर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाई इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 kgs। दीज विल देन बी सोल्ड टू अनदर ट्रेडर्स। पहले बच्चों, होल सेल ट्रेडर्स जो है वो डायरेक्टली चीज़ों को फैक्ट्री से ख़रीदते रहते हैं और वो काफ़ी तादाद में चीज़ों को एक साथ ख़रीदते हैं, और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो बाकी ट्रेडर्स में इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, सोल्ड करते हैं इन चीज़ों को। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। तो इस तरह से इन मार्केट्स में ट्रेडर्स के बीच में इन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती हैं, तो इस चैन की वजह से जो इन ट्रेडर्स के दरमियान होती है, चीज़ों की को दूर दूर तक पहुँचाया जाता है इन चीज़ों को। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस इज टू दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड, और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और बच्चों, जो रोज़ाना हम चीज़ें इन शॉप से ख़रीदते रहते हैं, इन शॉप ओनर्स को रिटेलर कहते हैं इनको, और इसमें मार्केट की तीनों टाइप्स आती है, चाहे वो वीकली मार्केट हो, नेबरहुड की मार्केट हो, या ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, इनके सेलर्स को रिटेलर कहा जाता है, इनके सेलर्स को।